नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं हिंदी उपन्यास के ऊपर। अब तक हम लोग जो उपन्यास की विकास यात्रा है उसके दो भाग का पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और प्रेमचंद के समय में प्रेमचंद युगीन जो उपन्यासकार हैं उस दौरान जो उपन्यास लिखे गए उस पर बातचीत करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर पीसी टंडन साहब। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, साथ ही सैकड़ों पुस्तकों के लेखक हैं और भारतीय अनुवाद परिषद के निदेशक भी हैं। तो निश्चित तौर पर इनका ज्ञान और अनुभव हम लोग को प्रेमचंद युगीन उपन्यास को समझने में लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर टंडन साहब को आमंत्रित करते हैं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। जी नमस्कार। जैसा कि हम पिछले दो व्याख्यानों में हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा के अंतर्गत पहले भारतेंदु युगीन हिंदी उपन्यास के कथ्य स्वरूप, शिल्प, भाषा आदि पर विचार कर चुके हैं और उसके बाद हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के उपन्यास और उपन्यासकारों पर विमर्श किया है। ये दोनों युग ऐसे हैं जो आज़ादी से पहले के युग हैं और इसके बाद इस उपन्यास यात्रा को जब हम मोटे तौर पर विभक्त करते हैं तो केंद्र में हिंदी उपन्यास के सम्राट कहलाने वाले मुंशी प्रेमचंद को केंद्र में रखकर हम इसका विभाजन करते हैं। और प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, इसमें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का औपन्यासिक साहित्य का जो वैविध्य और प्रदेय है उसको हम जान चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे इससे अगले चरण में, तीसरे चरण में, जो प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास के रूप में हमारे सामने आता है। इस युग में जो धुरी हैं, जो केंद्र हैं, वो प्रेमचंद हैं। और प्रेमचंद न केवल हिंदी साहित्य के अपितु भारतीय वांग्मय के दृष्टि से, औपन्यासिक साहित्य की दृष्टि से हम विचार करें तो वो वस्तुतः एक बहुत बड़े नाम के रूप में, और उनका जो कृतित्व है, उनका जो प्रदेय है, उनका जो कथा संसार है जिसमें 300 से ज़्यादा लगभग कहानियाँ हैं और बहुत बड़े फलक के महाकाव्यात्मक स्तर के उपन्यासों का सृजन उन्होंने किया है और समकालीन समस्याओं को, जो समाज में, देश में जिस तरह की चुनौतियाँ थीं, जिस तरह के संकट थे, उनको देखते हुए और जन सामान्य को केंद्र में रखकर उनकी भाषा में, सीधी सादी बोलचाल की भाषा में, साहित्यिक स्तर को रखते हुए भी भाषा में जो तेवर था वो बोलचाल का था। तो ऐसी महत्वपूर्ण औपन्यासिक कृतियों का प्रदेय जिस रचनाकार के साथ जुड़ा है वो प्रेमचंद है। और प्रेमचंद क्योंकि एक बड़ा व्यक्तित्व है, इसीलिए हिंदी उपन्यास के विभाजन को, इस कालखंड को हमने प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के नाम से जाना है। इसके बाद की का जो कालखंड है उसको हम प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के रूप में देखते हैं, जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे। तो आज हम प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास को केंद्र में रखकर बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से उपन्यासकार इस युग में आए, प्रेमचंद से प्रेरणा किन्होंने ग्रहण की और प्रेमचंद ने किन किन क्षेत्रों में प्रभावित किया बाद के या समकालीन उपन्यासकारों को, विषय वस्तु के चयन के आधार पर, भाषा की सहजता के आधार पर, पात्रों के चारित्रिक विधान के आधार पर, संवादात्मकता के आधार पर, समस्याओं को चुनने आदि के आधार पर, ऐसे कई पक्ष हैं जिसकी दृष्टि से प्रेमचंद और उनकी रचनाओं ने बहुत सारे रचनाकारों को प्रभावित किया। और इसी युग में रहकर उन बड़े रचनाकारों ने, वो भी बहुत नामी गिरामी रचनाकार हैं, उनकी औपन्यासिक रचनाओं को बहुत सराहा भी जाता है। तो ये पूरा दौर इस उपन्यास का, इस युग का रहा है। प्रेमचंद को हिंदी कथा साहित्य का सम्राट कहा जाता है। हिंदी उपन्यास के प्रथम चरण यानी भारतेंदु युगीन उपन्यास और महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन हिंदी उपन्यास के बाद का जो कालखंड है वह प्रेमचंद युगीन उपन्यास कहलाता है। सन 1918 में प्रेमचंद की महत्वपूर्ण औपन्यासिक रचना, जो पहली औपन्यासिक रचना है और बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है सेवा सदन, इस सेवा सदन नामक महत्वपूर्ण औपन्यासिक रचना का प्रकाशन हुआ। यही हिंदी उपन्यास जगत की एक महत्वपूर्ण घटना थी
और प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन की भी यही एक महत्वपूर्ण घटना थी। हिंदी उपन्यास जगत में भारतेंदु और द्विवेदी युग के बाद एक जो महत्वपूर्ण घटना घटी वो सेवा सदन उपन्यास के प्रकाशन से घटी और प्रेमचंद की जीवन दृष्टि, साहित्य दृष्टि वह भी इस उपन्यास के प्रकाशन से, इसकी लोक स्वीकृति से एकदम परिवर्तित हो गई। हिंदी उपन्यास के प्रथम चरण अर्थात भारतेंदु और द्विवेदी युगीन उपन्यास का और उस युग के कथा साहित्य का अभूतपूर्व विकास यदि देखना है तो वह यहीं से, इसी रचना से और इस प्रेमचंद युगीन उपन्यास से दिखाई देता है। तो एक सशक्त बुनियाद जो भारतेंदु और द्विवेदी युग में उपन्यास को या कथा साहित्य को प्रदान की गई थी, उसका विधिवत जो विकास है, उसका विधिवत जो उन्नयन है, वो प्रेमचंद युग में प्रारंभ होता है। इस उपन्यास ने हिंदी कथा साहित्य को और उसके औपन्यासिक विकास को नई दिशा, नई दृष्टि और नए आयाम भी प्रदान किए। हिंदी उपन्यास अब चमत्कारी घटनाओं से, अजीबोगरीब और कुतूहल भरे कथानकों से धीरे धीरे छूटने लगा, बाहर आने लगा था। वो जो अय्यारी वाले, जासूसी वाले उपन्यासों के लेखन का एक युग था वो समाप्त होने लगा था। उस युग के अनेक सामाजिक आंदोलनों का, सामाजिक घटनाक्रमों का, समाज सुधार को समर्पित संस्थाओं के मुख्य एजेंडा या मुख्य मुद्दों के प्रभाव का अब रचनाओं और रचनाकारों पर असर साफ दिखाई देने लगा था। जो बहुत सारी संस्थाएं, समाज सुधारक संस्थाएं, बहुत सारे व्यक्तित्व जो देश और समाज के लिए काम कर रहे थे, उनके जो उद्देश्य थे, उनकी जो लक्ष्य थे, उनका प्रभाव अब इस युग के उपन्यास और उपन्यासकारों पर साफ दिखाई देने लगा था। प्रथम कोटि के कथाकारों में देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी और हरिकृष्ण जौहर ये अपना एक विशिष्ट स्थान बना चुके थे द्विवेदी युग तक आते आते। दूसरी कोटि के कथाकारों में गौरीदत्त, श्रद्धा राम फिल्लौरी, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, मेहता लज्जा राम शर्मा और ब्रज नंदन सहाय, इन्होंने भी उपन्यास और कथा साहित्य की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। इन उपन्यासकारों का रुझान और झुकाव मनोरंजन की ओर अधिक था। ये स्वाभाविक है कि उस दौर के दोनों युगों के, भारतेंदु और द्विवेदी युग के उपन्यासों में मनोरंजन की प्रधानता थी। रचना में पाठक के अभिरुचि को ध्यान में रखकर उसी तरह की कथा वस्तु को, उसी तरह के चारित्रिक विधान को, उसी तरह की संवादात्मकता को समावेश किया जाता था। किशोरीलाल गोस्वामी इस दृष्टि से अपने को अन्य समकालीन उपन्यासकारों से अलग रूप में पहचान देने और स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि मनोरंजन रूपी उद्देश्य से भी वो पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए थे। हम किशोरीलाल गोस्वामी की बात कर रहे हैं और किशोरीलाल गोस्वामी ने कोशिश की थी कि यह जो एक तमगा लग गया है उस युग के उपन्यासों पर, जिसमें मनोरंजन को प्रधानता दी जा रही थी और एक लोक अभिरुचि की जो सहज अभिरुचि थी उसकी पुष्टि उपन्यासों के माध्यम से हो रही थी, तो वो इससे अलग अपने को रखना चाहते थे, करना चाहते थे, लेकिन मनोरंजन उनसे भी छूट नहीं पा रहा था। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र इस क्षेत्र में एक पहला ऐसा नाम है जिन्होंने कथा दृष्टि उस समय के कथाकारों से अलग हटकर विकसित की। भुवनेश्वर प्रसाद ने जो समकालीन उपन्यासकार थे या पूर्वकालिक उपन्यासकार थे उनसे थोड़ा अपने को अलग कर लिया। वो चाहते थे और वो कर भी पाए। हालांकि किशोरीलाल चाहते थे, किशोरीलाल जी, लेकिन वो पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए थे। पर भुवनेश्वर ने यथासंभव प्रयास करके अपनी कथात्मक जो प्रस्तुतियां हैं, औपन्यासिक और कहानियों वाली जो रचनाएं हैं, उनमें यह सिद्ध किया और वो उससे अपने को अलग कर पाए। उनका शिल्प विधान, उनका भाषिक जो विधान है, उनकी जो औपन्यासिक और कथात्मक प्रस्तुतियां हैं, उसके समस्याओं को, उसके चरित्रों को, उसकी प्रतीकात्मकता को उन्होंने एक अलग तरह से हमारे सामने रखने का प्रयास किया और उसमें उन्हें विधिवत सफलता भी मिली। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र ने सस्ते मनोरंजन और प्रचार आदि की लालसा से अपने को ऊपर रखा, यथासंभव कोशिश की और उपन्यास को
जीवन की, वास्तविक जीवन की अभिव्यक्ति बनाया, जो कुछ घट रहा है समाज में, परिवार में, व्यक्ति के जीवन में, उसे उन्होंने औपन्यासिक रचनाओं के साथ जोड़ दिया। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र ने सन 1893 में घड़ाऊ घटना नाम से एक उपन्यास लिखा और सन 1896 में बलवंत भूमिहार नाम से एक अन्य उपन्यास लिखा। ये दोनों उपन्यास भुवनेश्वर जी की औपन्यासिक जो शिल्प विधान की जो क्षमता है, शक्ति है, उसको नवीनता देने, मौलिकता देने की जो क्षमता है, उसका परिचय इन दो उपन्यासों के माध्यम से उन्होंने दिया। सन 1918 में सेवा सदन, जो कि प्रेमचंद की रचना है जिसकी चर्चा हमने की, उसका प्रकाशन हुआ। किंतु 1918 से पहले प्रेमचंद उर्दू भाषा में भी लिखते रहे और उन्होंने अनेक उपन्यास उर्दू में लिखे। बाद में उन्हीं उपन्यासों का प्रेमचंद ने स्वयं भी हिंदी अनुवाद किया और ऐसे उपन्यासों में प्रेमा, जिसको दो सखियों का विवाह के नाम से भी जाना जाता है, यह उल्लेखनीय है। यह उर्दू भाषा में लिखा गया और बाद में इसका हिंदी में अनुवाद या अंतरण भी हो पाया। यह उपन्यास उर्दू में लिखित हस खुरमा व हम सवाब, हस खुरमा व हम सवाब उपन्यास का हिंदी रूपांतर था। यह सन 1907 में प्रकाशित हुआ था। इससे ये भी ज्ञात होता है कि प्रेमचंद ने स्वयं और उस जमाने के, उस दौर के अनेक कथाकारों ने उर्दू में रचनाएं लिखी और उर्दू भाषा से फिर उनका हिंदी में, क्योंकि हिंदी का जो पाठक जगत था वो बहुत बड़े स्तर पर था, अखिल भारतीय स्तर पर था, और उन तक ये रचनाएं पहुँचें इसके लिए ये आवश्यक था कि उनका हिंदी में अनुवाद हो, और अनुवाद हुआ और वो रचनाएं पढ़ी गई, उनकी पठनीयता बढ़ती चली गई, लोक स्वीकृति बढ़ती चली गई। मुंशी प्रेमचंद के अन्य आरंभिक उपन्यासों में यदि हम दृष्टि डालें, असरारे माबिद उर्फ देवस्थान रहस्य, ये एक उपन्यास है। दूसरा किसना नाम से उपन्यास है। तीसरा रूठी रानी नाम से एक उपन्यास है और जलवे ईसार नाम से एक अन्य उपन्यास है। ये चार वो उपन्यास हैं जो प्रेमचंद ने प्रारंभ में, प्रारंभिक दौर में लिखे थे और उर्दू हिंदी का सिलसिला इसके साथ जुड़ा रहा था। प्रेमचंद ने उपन्यास विधा को केवल मनोरंजन की वस्तु, ऐसी धारणा से, ऐसी धारणा वाली गिरफ्त से मुक्त कराया और उसे मानवीय तथा सामाजिक जीवन का एक वास्तविक सा, एक यथार्थ सा प्रतिबिंब बनाया। ये प्रेमचंद के उपन्यासों की, उसकी, उनकी कहानियों की विशेषता है कि उनमें जो पात्र दिखाई देते हैं वो हमारे आसपास हमें अनुभव होता है, महसूस होता है कि वो विद्यमान हैं। जो घटनाएं दिखाई देती हैं वो हमारे आसपास के समाज में बाकायदा विश्वसनीय घटनाएं प्रतीत होती हैं। प्रेमचंद आर्य समाज से अच्छी खासी स्थिति में प्रभावित थे, उनका उस आर्य समाज का प्रभाव था, किंतु उन्होंने अपनी एक विशिष्ट जीवन दृष्टि भी अलग से बनाई थी। वही कथात्मक रचनाओं में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रकट होती प्रतीत होती है। प्रेमचंद ने अपने मनानुकूल, जैसा वस्तुतः प्रेमचंद चाहते थे, उनकी सोच, उनकी मानसिकता, उनका भावलोक, जो सोच रहा था, जो चाह रहा था, उस मनानुकूल औपन्यासिक शिल्प को गढ़ा, उसे एक समुचित और नितांत मौलिक ढांचा प्रदान किया और उसके भाषिक विन्यास को तराश कर औपन्यासिक रचनाओं में, कथात्मक कहानी आदि रचनाओं में उनको पिरो दिया। ये एक तरह से प्रेमचंद की जो गद्य साहित्य की पकड़ है, प्रेमचंद की खड़ी बोली गद्य पर जो पकड़ है और जो समझ है, उसका एक सशक्त उदाहरण या एक प्रमाण हमें इस रूप में उनकी औपन्यासिक रचनाओं से मिलता है। प्रेमचंद के प्रारंभिक उपन्यासों या कथाओं में वह प्रौढ़ता जो धीरे धीरे क्रमशः बाद की रचनाओं में आती गई वो दिखाई नहीं देती, किंतु यह प्रौढ़ता बढ़ते बढ़ते प्रेमचंद के औपन्यासिक साहित्य तक पहुंची और प्रथम रचना
सेवा सदन तक आते आते वो स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगी। वस्तुतः सेवा सदन उपन्यास से ही एक नया उपन्यास मार्ग भी उजागर हुआ, प्रशस्त हुआ। उपन्यास को एक नई प्राण शक्ति भी प्रेमचंद ने प्रदान की और एक नया जीवन प्रेमचंद ने उपन्यास को दिया। इससे जो उस युग के अन्य उपन्यासकार थे उन्हें शिक्षा मिली, उन्हें प्रेरणा मिली, उन्हें रचना विधान का शिक्षण भी मिला। और निश्चित रूप से बहुत सारे उपन्यास हैं जो प्रेमचंद की रचनाओं से प्रभावित हैं। कथा वस्तु के आधार पर भी हम देखें तो हम देख सकते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों की दृष्टि से भी देखें तो हम देख सकते हैं। यहीं से हिंदी उपन्यास की दुनिया में नए औपन्यासिक युग का प्रादुर्भाव होता है। तो प्रेमचंद एक ऐसे प्रवर्तक के रूप में, एक ऐसे आचार्य के रूप में जिन्होंने उपन्यास जगत को एक नया मार्ग दिखाया, चलने की क्षमता प्रदान की और उनको बताया कि क्या संदर्भ हैं, क्या घटनाएं हैं, कौन से पात्र हैं, कौन सी सामाजिक उपेक्षाएं हैं जिनको हमें उपन्यासों से जोड़ना है। जो पात्र उपेक्षित है, जो वर्ग उपेक्षित है, जो किसान या मेहनत मशक्कत करने वाला मजदूर उपेक्षित है, उन सबको हम कैसे इस उपन्यासिक संसार से जोड़ें, यह शिक्षा, यह प्रेरणा प्रेमचंद ने हमें दी। मुंशी प्रेमचंद ने सेवा सदन उपन्यास के बाद एक से बेहतर एक उपन्यास हिंदी उपन्यास जगत को दिया। सैकड़ों उत्कृष्ट कहानियां हिंदी जगत को दी, 300 से ज़्यादा कहानियां प्रेमचंद ने लिखी हैं जो मानसरोवर के लगभग 8 खंडों में संकलित और प्रकाशित भी हैं। उनके प्रमुख जो लोकप्रिय और विश्व प्रसिद्ध उपन्यास हुए उनमें अगर हम दृष्टि डालें तो सन 1922 में उनका उपन्यास आया प्रेमाश्रम, सन 1925 में रंगभूमि जैसा महाकाव्यात्मक उपन्यास आया, सन 1926 में कायाकल्प जैसा उपन्यास आया, सन 1927 में निर्मला उपन्यास आया जिसने उस समय और उस समाज की ज्वलंत समस्याओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया। उपन्यास कलेवर में भले ही बहुत बड़ा ना हो लेकिन उद्देश्य में बहुत बड़ा उपन्यास था, तो उसने भी अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराई। सन 1931 में गबन नाम का एक अन्य उपन्यास आया जो बहुत ही महत्वपूर्ण और पूरे समाज मनोविज्ञान को, परिवार मनोविज्ञान को हमारे सामने रखता है, नारी मनोविज्ञान को हमारे सामने रखता है। सन 1933 में कर्मभूमि नाम का एक अन्य बड़ा बड़े उद्देश्य का उपन्यास हमारे सामने आया और 1935 में दुनिया में सबसे अधिक सराहा गया, सबसे अधिक महाकाव्यात्मक उपन्यासों की पंक्ति में अग्रिम पद का, अग्रिम स्थल का अधिकारी बना गोदान उपन्यास आया। गोदान उपन्यास ने उपन्यासों, हिंदी उपन्यास की दुनिया में नहीं, भारतीय उपन्यास रचना की दुनिया में एक क्रांतिकारी पहल और अपनी उपस्थिति दर्ज की। तो इस तरह से प्रेमचंद ने अनेक मौलिक उपन्यास लिखे और ये उपन्यास वस्तुतः एक आदर्श स्थापित करने वाले उपन्यास हैं। प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास जलवे ईसार का हिंदी अनुवाद वरदान शीर्षक से सन 1921 में प्रकाशित हुआ। वरदान नाम से हिंदी में आया और वह मूलतः उर्दू के जलवे ईसार का हिंदी अनुवाद था। सन 1929 में प्रेमचंद ने अपने दूसरे उर्दू उपन्यास हम खुरमा व हम सवाब के पूर्व प्रकाशित हिंदी रूपांतर प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, ये हम खुरमा व हम सवाब का पहले से हिंदी में प्रकाशित प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह नाम से ये अनुवाद था जो प्रकाशित हो चुका था, लेकिन प्रेमचंद ने आगे चलकर इस हिंदी अनुवाद और उसके प्रकाशित रचना का फिर से नवीनीकरण किया, नया संस्कार किया और उसका परिष्कार करते हुए, संपादन संवर्धन करते हुए उसे नए कलेवर में, नए रूप में प्रतिज्ञा नाम से फिर से प्रकाशित कराया। तो प्रेमचंद का जो रचनाकार था वो कितना सजग और कितना जागरूक था, उसको यह भी लग रहा था कि कहाँ, चाहे वो अनुवाद की दृष्टि से या प्रस्तुति की दृष्टि से कहीं कोई त्रुटि या कमी रह गई है, कुछ चीज़ ऐसी है जो अखर रही है, उसको उन्होंने दूर किया और उसका नया संस्कार किया और प्रतिज्ञा नाम से उसका पुनः प्रकाशन हो पाया। प्रेमचंद ने अपने उर्दू में लिखित आरंभिक उपन्यासों का हिंदी तर्जुमा भी खुद किया, स्वयं किया, क्योंकि
रचनाकार स्वयं यदि अनुवाद करे तो ज्यादा न्याय कर सकता है रचना के साथ, क्योंकि एक ही मनोभूमि से दोनों रचनाएं निकलती हैं। सामान्यतः अनुवाद करना बहुत कठिन काम है, दूसरे के गर्भ को धारण करने जैसा चुनौती भरा काम है, लेकिन प्रेमचंद ने स्वयं जब अपने उर्दू उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया तो वो बहुत सुपठ्य हो गए, पठनीयता उनकी बढ़ी, बोधगम्यता बढ़ गई, सहजता बढ़ गई और हिंदी जगत ने उनको स्वीकार किया। प्रेमचंद ने अपने तीन महान उपन्यासों को उर्दू में लिखा, यानी हिंदी से उर्दू में ले जाने का सिलसिला भी प्रेमचंद ने जारी रखा। अगर उर्दू में लिखित रचनाओं को हिंदी में लाए तो हिंदी की जो चर्चित और लोकप्रिय और विश्व प्रसिद्ध रचनाएं थी उनको भी उर्दू में ले गए, क्योंकि प्रेमचंद का उद्देश्य था कि वो समस्याएं जो वो इन उपन्यासों के माध्यम से उजागर कर रहे थे वो उर्दू जगत तक, उर्दू पाठक समुदाय तक भी पहुंचनी चाहिए। तो सेवा सदन, जिसको बाजारे हुस्न शीर्षक से उन्होंने तैयार किया, प्रेमाश्रम, जिसको गोशाए आफियत नाम से उन्होंने उर्दू में प्रकाशित किया, और रंगभूमि, जो बहुत बड़े फलक का उपन्यास है, उसे चौगाने हस्ती शीर्षक से उर्दू में तैयार किया, और हिंदी से उर्दू में अंतरित हुए या अनुवाद हुए ये उपन्यास उर्दू जगत में भी बहुत ही सराहनीय हुए, प्रशंसनीय हुए और उनकी पठनीयता वहाँ पर लगातार बढ़ती गई। मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का चर्चित उपन्यास यदि कोई है तो वो कायाकल्प ही है। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रेमचंद ने अपने मौलिक उपन्यासों से, अपने अनुदित उपन्यासों से, अपनी अनुवाद कला और मौलिक रचना धर्मिता, इनका परिचय देते हुए हिंदी जगत को, हिंदी उपन्यास लोक को न केवल संपन्न किया, समृद्ध किया, बल्कि उसे एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जिससे दूसरी भाषाओं के उपन्यासकारों ने, कथाकारों ने भी प्रेरणा प्राप्त की। इस तरह हम देखते हैं कि प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों के द्वारा जिन समस्याओं को उठाया, जिन चिंताओं को उठाया, कथा साहित्य के सृजनात्मक उद्देश्य को बदलने का प्राथमिक कार्य किया। उसका जो सृजनात्मक उद्देश्य है उसको बदलने की कोशिश की और उसमें प्रेमचंद सफल हुए। जीवन में समग्रतया विकीर्ण पराधीनता का भाव, जमींदारों, पूंजीपतियों और सरकारी कर्मचारियों द्वारा कृषक समुदाय या मजदूर वर्ग या निर्धन समुदाय के निरंतर हो रहे शोषण की समस्या, इसको उपन्यासों में उठाया। निर्धनता और निर्धनता से जन्म ले रहा भय, एक डर, उसको, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज का प्रकोप जो उस समय के समाज को बड़ी बुरी तरह से निकल रहा था, नारी की दुर्दशा, उपेक्षा और शोषण, वेश्यावृत्ति में लिप्त नारी का अत्यंत कष्टप्रद, वेदना से भरा हुआ जीवन, उसको भी रचनाओं में उजागर किया। वृद्धा विवाह की समस्या, विधवा विवाह की समस्या और विधवा के जीवन यापन की समस्या, सांप्रदायिक वैमनस्य, अस्पृश्यता, मजदूरों का संघर्ष, मध्यवर्गीय समाज की कुरीतियां और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मध्यवर्गीय समाज की कुंठाएं, इन सब बड़ी उस युग की चुनौती बनी हुई, राष्ट्रीय चुनौती बनी हुई समस्याओं को प्रेमचंद ने उपन्यासों में, उसके कथानक में ऐसे पिरोया, पात्रों से ऐसे जोड़ा कि वो सहज और विश्वसनीय तथा प्रामाणिक लगने लगी। उपन्यास को पढ़ते हुए वो जो बहुत ही सस्ती अभिरुचि वाले उपन्यासों के पठन का दौर था, इन उपन्यासों ने उनको खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। ये एक साहित्यिक अभिरुचि के, एक महत उद्देश्य से भरे हुए उपन्यास थे, जो पात्र परिकल्पना की दृष्टि से, संवाद योजना की दृष्टि से, कथानक की अनुपमता या माने मौलिकता की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। सेवा सदन उपन्यास मध्यवर्गीय परिवारों की वैवाहिक समस्याओं का ज्वलंत दस्तावेज बनकर हमारे सामने आया। ये जो मध्यवर्गीय परिवार हैं, इनकी समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन इसमें वैवाहिक समस्या एक बड़ी समस्या है। तिलक की समस्या, दहेज की समस्या, कुलीनता का प्रश्न, ऐसी तमाम ऐसी जिज्ञासाएं
ऐसे तमाम प्रश्न जो मध्यवर्गीय परिवारों को झेलने पड़ रहे थे। घर में विवाह उपरांत पत्नी के मान सम्मान और विधिवत उसे एक आदर से भरा हुआ स्थान प्राप्त करने की समस्या, क्या विवाह के बाद मध्यवर्गीय परिवारों में स्त्री को मान मर्यादा या प्रतिष्ठा इसका अधिकार नहीं है? ये समस्या, ये प्रश्न भी प्रेमचंद ने उठाया। समाज में वेश्याओं की स्थिति की समस्या को भी इसी सेवा सदन के माध्यम से उठाया गया और ऐसी अनेक समस्याएं प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से हमारे सामने प्रकट की। निर्मला एक दूसरा देखने में भले ही छोटा लगता हो लेकिन अपने कथ्य में, अपने शिल्प में, अपने उद्देश्य में बहुत बड़ा उपन्यास है। दहेज प्रथा जो उस जमाने के भारतीय समाज की एक बड़ी समस्या थी उसको उजागर किया। वृद्ध विवाह, पारिवारिक विघटन और विघटन से होने वाला विनाश, इसको भी प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास के माध्यम से उठाया। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनका चित्रण इन उपन्यासों के माध्यम से हुआ है, जिनकी प्रस्तुति हुई है, वो वस्तुतः प्रशंसनीय है। प्रेमाश्रम में कृषक जीवन की समस्या, भारत जिसको हम 80% कृषि समाज के रूप में देखते हैं और कृषि पर निर्भर समाज के रूप में देखते हैं, उसी कृषक जगत की, उसी किसान की, उसी किसान के परिवार की, उसी किसान की जमीन की, उसी किसान की पट्टेदारी की, ऐसी न जाने कितनी समस्याएं थीं जिनको प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से उजागर किया। इतना पारदर्शी और जीवंत बनाकर प्रस्तुत किया कि लगता है कि वो किसान हमारे आसपास के गाँव का किसान है जो पीड़ित है, जो दुखी है और जिसका शोषण लगातार हो रहा है। जमींदार, पूंजीपति न जाने क्यों कैसे उसका शोषण कर रहा है और उसका हृदय पसीज नहीं रहा। गोदान तो एक बड़ा महाकाव्य है। इसी कृषक जीवन की विडंबनाओं को चित्रित करते हुए प्रेमचंद से पूर्व जिसको, जिस समस्या को प्रेमाश्रम में उठाया गया था, उसका विकास अपने उत्कर्ष पर इस उपन्यास तक आते आते दिखाई देता है। गोदान को तो ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य या महाकाव्यात्मक उपन्यास भी कहा गया। बहुत सारे आलोचकों ने इस बात की चर्चा की कि कृषि जीवन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कोई है या कृषि संस्कृति का महाकाव्यात्मक उपन्यास कोई है, दस्तावेजी अगर कोई रचना है तो वो गोदान है। रंगभूमि और कर्मभूमि, ये दो अन्य बड़े और बहुत ही सुंदर और प्रेरणाप्रद उपन्यास हैं। ग्रामीणों की स्थिति का बेबाक चित्रण इन दोनों उपन्यासों में हुआ है। ऐसा प्रामाणिक, प्रभावशाली, विस्तृत, व्यापक ग्रामीण जीवन का चित्रण अन्य किसी उपन्यास में देखने को नहीं मिलता। दूसरे रचनाकारों में भी इतना बड़ा फलक दिखाई नहीं देता। वस्तुतः पूरे सांसारिक उपन्यासों में अगर हम इस वैशिष्ट्य को तुलना करने निकलें तो शायद किसी दूसरे उपन्यास में इतने बड़े फलक की जो कृषक जगत की समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, वो उजागर नहीं होती। प्रेमचंद अपने समग्र उपन्यास साहित्य में सांप्रदायिक सद्भाव की चिंता करते हैं। ये एक और समस्या है जो उस समय कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत जो है वो बहुभाषा भाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुसामुदायिक देश है और ये सब मिलकर एक भारतीय संस्कृति का निर्माण करते हैं, तो फिर भी कहीं ना कहीं समय समय पर ऐसी घटनाएं, ऐसे संदर्भ, ऐसी चर्चाएं देखने सुनने को मिलती हैं कि जहां जाति को लेकर, धर्म को लेकर, समुदाय को लेकर वैमनस्य पैदा हो रहा है, सद्भाव जो है वो बिखर रहा है। तो प्रेमचंद ने ऐसी सांप्रदायिक चुनौतियों को भी रचनाओं से जोड़ा और सद्भाव पैदा करने की दृष्टि से पहल की और उनके उपन्यासों में कुछ ऐसे चरित्रों का, कुछ ऐसे घटनाक्रमों का, कुछ ऐसे पात्रों की मानसिकता का समावेश किया गया जिससे प्रेमचंद जो उपदेश देना चाहते हैं या जो संदेश देना चाहते हैं समाज को, वो सहज रूप से पहुंच सके। उनकी मानवतावादी दृष्टि, प्रेमचंद मानवतावाद के प्रबल पक्षधर है, वो मनुष्य को और मनुष्यता को सर्वोपरि मानते हैं। उन्होंने मनुष्य की समस्याओं को उजागर करते हुए वस्तुतः उद्देश्य यही रखा कि मनुष्य इस
व्यवस्था में, इस सामाजिक व्यवस्था में सर्वोपरि है। इसलिए उसकी तमाम समस्याओं का निदान खोजना व्यवस्था का और सत्ता का नैतिक दायित्व भी है। तो वो उन समस्याओं को, उन चुनौतियों को, उन मानवीय संकटों को उजागर करते चलते हैं एक एक करके, ताकि जो व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं वो उनको समझ सकें और उस तरफ उनका ध्यान आकृष्ट हो और उसके उपायों को, उसके निदान को खोजने में उनकी कोई भूमिका हो सके। सेवा सदन, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि और गोदान, ये पांच वो उपन्यास हैं जो उस समय की एक और बड़ी राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक चुनौती और समस्या थी, वो थी अंतरजातीय विवाह की। इस अंतरजातीय विवाह के प्रश्न को, जो विवाद का विषय बना हुआ था कि अंतरजातीय विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कहीं कुछ पुरानी हमारी मान्यताएं, कुछ पुरानी हमारी रूढ़ियाँ, कुछ पुराने हमारे रीति रिवाज इसमें बाधा भी बन रहे थे। और जैसे जैसे पीढ़ी, नई पीढ़ी आ रही थी, युवा पीढ़ी आ रही थी और हम आज़ादी की ओर लगातार उन्मुख हो रहे थे, बढ़ रहे थे, सोच बदल रही थी, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा था, अंग्रेज़ों के और विदेशियत के आने से हमारे मूल्य एक प्रश्नों को और एक चुनौती को सामने रखकर चल रहे थे, तो ऐसे में कुछ अंतरजातीय विवाह की समस्याओं को इन उपन्यासों में कहीं ना कहीं, कहीं गौण कथा के रूप में, कहीं मुख्य कथा के रूप में, कहीं सांकेतिक रूप में, कहीं प्रकारांतर से प्रेमचंद इसको साथ लेकर चलते हैं। प्रेमचंद की अच्छी बात यह है कि जो मुख्य कथानक होता है उसके साथ वो छोटी छोटी अनेक उन कथनाओं, कथानकों को, उन कथाओं को जो बहुत प्रासंगिक हैं, जो बहुत ज्वलंत हैं, जिन पर विचार करना उस समय के साहित्यकार के लिए बहुत ज़रूरी है, वो उनको साथ में जोड़कर, पिरोकर बड़ी सहजता से ले जाते हैं और पाठक को लगता है कि वो सारी गौण कथाएं उस मुख्य कथा का एक अनिवार्य हिस्सा है, उनके बिना वो मुख्य कथा आगे बढ़ ही नहीं सकती। ये जो शिल्प विधान का, औपन्यासिक सूझबूझ का जो चमत्कार है, ये प्रेमचंद ही कर पाते हैं। तो विधवा विवाह की समस्या, ये उस जमाने की, जो उस समय की समाज सेवी संस्थाएं थीं, चाहे वो आर्य समाज हो, उस समय के जो व्यक्तित्व थे जैसे राजा राम मोहन राय हो, या ऐसी और दूसरी संस्थाएं जैसे गांधी जी जैसा व्यक्तित्व हो, तो ये वो जो समाज के लिए एक बड़े संकट बन गए थे प्रश्न, उन प्रश्नों के उत्तर खोजने, उन प्रश्नों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने का काम प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों से, अपनी रचनाओं के माध्यम से किया था। सेवा सदन और कायाकल्प, ये दो वो उपन्यास हैं जो मानवता और सांप्रदायिकता, इन दोनों बड़े मुद्दों को उठाते हैं। मनुष्यता को, मानवता को हमें कितनी तवज्जो देनी चाहिए, कितना महत्व देना चाहिए, और सांप्रदायिकता समाज के लिए, भारतीयता के लिए कितनी घातक है। ये बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक देश जो है, ये सभी को अपने साथ लेकर, अपने में आत्मसात करके चलना चाहता है। यहाँ पर जाति का कोई भेद नहीं है, इसलिए तमाम उस समय के फिल्मी गीतों में, तमाम उस समय की कविताओं में ऐसे भावों को कवियों ने, साहित्यकारों ने, रचनाकारों ने उजागर किया और एक प्रेरणा हमारे सामने रखी। समाज में नारी की स्थिति और उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम भी प्रेमचंद ने, उनके कथा साहित्य ने विधिवत किया। बाकायदा नारी की स्थिति को, जिसको अन्य साहित्यकार उस समय खूब कविता के माध्यम से, शेर व शायरी के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, निबंधों के माध्यम से ये चीज़ें उठाई जा रही थी, चर्चा की जा रही थी। प्रसाद भी उस समय, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो, ये इस तरह के सूत्र साहित्यकार दे रहे थे। और अन्य बड़े साहित्यकारों ने भी नारी को लेकर, उसकी समस्याओं को लेकर, उसकी चुनौतियों को लेकर प्रश्न उठाए हैं। तो प्रेमचंद ने भी नारी की स्थिति को देखकर, समाज में उसकी क्या स्थिति है, उसके साथ क्या अन्याय हो रहा है, उसकी उपेक्षा कैसे हो रही है, उसकी मान प्रतिष्ठा क्यों कम है, उसको समानता का दर्जा क्यों प्राप्त नहीं है, उसे पुरुष के समकक्ष क्यों नहीं देखा जा रहा, और
कई ऐसे जो रीति रिवाज थे, जो भारतीय परंपराएं थीं, जो नारी जाति के लिए बड़े संकट बने हुए थे, नारी के सशक्तिकरण की बात प्रेमचंद सोच रहे थे, तो ऐसे कई प्रश्न हैं जो उन्होंने उठाए। प्रतिज्ञा उपन्यास में वे बाल विवाह की समस्या को भी बड़ी खूबी के साथ उठाते हैं। बाल विवाह उस समय का हम सामाजिक एक तरह का रोग था, छोटे छोटे बच्चों का विवाह हो रहा था जिनको अपने जीवन यापन की समझ नहीं है और उन पर ये जिम्मेदारियां डाली जा रही थी, तो उस समय की कुछ जो सामाजिक मानसिकता थी वो उस पर बड़े सारे प्रश्न चिन्ह प्रेमचंद ने उठाए थे। गबन और निर्मला उपन्यास मध्य वर्ग की कुंठाओं को, चुनौतियों और समस्याओं को उजागर करने वाले दो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इनमें प्रेमचंद की जो मनोवैज्ञानिक सूझबूझ है उसको भी हम देख सकते हैं। आभूषण प्रियता स्त्री जाति को कहाँ ले जाती है और उसके खामियाजे परिवार को, समाज को कैसे भुगतने पड़ते हैं, और आभूषण प्रियता का जो लोभ है, जो लालच है, उसके कारण जो मुख्य पात्र है वो कैसे गबन करने की स्थिति तक आ जाता है, अपनी पत्नी की इच्छाओं और लालसाओं की पूर्ति के लिए वो कहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये ऐसे कुछ प्रश्न उठाए जो समाज में एक समस्या खड़ी कर रहे थे, बन रहे थे, उनको प्रेमचंद ने उठाया। कर्मभूमि उपन्यास में समाज में जो हरिजन वर्ग के लोग हैं उनकी समस्याओं को बड़ी खूबी के साथ उठाया। क्यों अस्पृश्यता की समस्या को उठाया कि क्यों अछूत हम मान रहे हैं, मनुष्य ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है, उसमें कोई जाति का और धर्म का भेद भगवान ने पैदा नहीं किया, ये भेद तो सब इसी समाज में आकर पैदा हुए हैं, हमने अपने निजी स्वार्थों के कारण, अपने सामाजिक हितों के कारण, अपनी स्वार्थ लिप्सा के कारण ऐसा कर दिया, तो वो प्रश्न भी उठाए गए। पारंपरिक और प्राचीन मूल्यों को, उनके विघटन और पूंजीवाद के बढ़ते दबाव को रंगभूमि जैसे उपन्यास में उठाया। प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन और कर्मभूमि जैसे उपन्यासों में गुलामी के दर्द को, गुलामी की पीड़ा क्या होती है, क्योंकि यही दौर था जब आज़ादी का जो बिगुल था वो बज रहा था और धीरे 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 हम 1947 की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तो देश की पराधीनता के एहसास को इतनी खूबी से उकेरा कि पाठकों को लगने लगा कि गुलामी एक अभिशाप है और गुलामी के इन बंधनों को काट फेंकना ही मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य है। तो ऐसे तमाम प्रश्न, जीवन के आदर्श, यथार्थ, कल्पना, किस्सा गोई, इन सब का सम्मिश्रण प्रेमचंद के उपन्यासों को लोकप्रिय बनाता है, प्रेरक और उद्देश्य मूलक भी बनाता है। इसलिए प्रेमचंद के उपन्यासों का न केवल हिंदी जगत में अपितु पूरे भारतीय समाज में, अन्य भाषा भाषी समुदायों में भी स्वागत हुआ। जीवन की सहज सामान्य धारा को पर्याप्त महत्व देते हुए प्रेमचंद ने सामयिक अनेक समस्याओं को अपने कथा साहित्य में पिरोया। प्रेमचंद के उपन्यासों में अनेक वर्गों का, वर्ग चरित्रों का चित्रण सजीव रूप से किया गया। प्रेमचंद के उपन्यासों कहानियों में जमींदारों, साहूकारों, पुलिस कर्मचारियों, सरकारी अफसरों, किसानों मजदूरों आदि के यथार्थ का, उनकी प्रामाणिक जो गतिविधियां हैं, जो घटनाक्रम है, उनका बहुत ही विश्वसनीय चित्रण इन उपन्यासों में किया गया। प्रेमचंद देशभक्त, राष्ट्रप्रेमी और राष्ट्रीय भावना को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले एक सजग कलाकार, एक सजग उपन्यासकार, एक जागरूक रचनाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो हम देख सकते हैं कि प्रेमचंद का जो प्रदेय है, प्रेमचंद का जो अवदान है वो स्तुत्य है, वो बहुत बड़ा है, और निश्चित ही एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में, एक प्रेरक रचनाकार के रूप में वो हमारे बीच इस दौर में आते हैं। तो ये जो प्रेमचंद युगीन कथा साहित्य का समय है, ये एक प्रकार से स्वर्णिम समय है, और निश्चित रूप से आगे बाद के उपन्यासकारों में बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास मिले हमें जिनकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे, लेकिन एक दिशा देने का काम, एक मजबूत बुनियाद रखने का काम प्रेमचंद ने कर दिया था और उस पर एक भवन भी खड़ा कर दिया था। अब इस भवन की साज सज्जा करने का काम आगे के उपन्यासकारों में दिखाई देता है। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को एक विशिष्ट स्तर तक, उच्च स्तर तक लाकर खड़ा कर दिया, भाषा और शिल्प की दृष्टि से उसे बड़ा मजबूत, सशक्त बना दिया। बोलचाल की सहज सरल भाषा, पात्रानुकूल भाषा, संदर्भानुकूल भाषा, शब्द चयन का महत्व, उसकी सार्थकता, ऐसे अनेक पक्ष थे जिन्होंने हिंदी उपन्यास के शिल्प को मजबूत किया। प्रेमचंद युग में प्रेमचंद के अतिरिक्त भी बहुत सारे उपन्यासकार मिलते हैं,
उन पर भी बात करना निश्चित ही उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही महत्वपूर्ण है, तो उन पर भी थोड़ी दृष्टि हम डाल लें। सबसे पहले विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक का नाम आता है, जो प्रेमचंद युग के हिंदी उपन्यासकार हैं। उन्होंने माँ उपन्यास लिखा और भिखारिणी नाम से एक दूसरा उपन्यास लिखा। ये दोनों उपन्यास बहुत ही चर्चित रहे, बहुत ही सुपठ्य और प्रशंसनीय रहे, किंतु ये उपन्यास प्रेमचंद की उपन्यास शैली के आसपास ही घूमते रहे। इन दोनों उपन्यासों पर प्रेमचंद और प्रेमचंद का प्रदेय साफ दिखाई देता है, यानी प्रेरणा प्रेमचंद थे लेकिन उपन्यास कौशिक जी के थे और बहुत अच्छे उपन्यास माने गए। इसी तरह आचार्य चतुरसेन शास्त्री एक बड़ा नाम है हिंदी उपन्यास जगत में, प्रेमचंद युगीन उपन्यास जगत में। चतुरसेन शास्त्री ने भी इतने बहुत अधिक संख्या में उपन्यास लिखे और अलग अलग तरह की विषय वस्तु और क्षेत्र और चुनौतियां और समस्याएं इनको लेकर उपन्यास लिखे, और ये उपन्यास भी बहुत सराहे गए। युवा वर्ग ने तो अपने घरों में एक छोटे छोटे पुस्तकालयों की स्थापना कर ली, एक पुस्तक क्लब बना दिए गए जगह जगह देश में, क्योंकि ये सस्ते मूल्यों पर और पेपरबैक संस्करण में इस तरह की रचनाएं घरों में पहुंचने लगीं बहुत सस्ते दामों पर, तो उससे अभिरुचि बढ़ी और पठनीयता की ओर रुझान बढ़ा बच्चों का, विद्यार्थियों का, जिनमें हृदय की परख नाम का एक उपन्यास है जो 1918 में आया, हृदय की प्यास नाम का दूसरा उपन्यास है जो 1932 में आया, अमर अभिलाषा 1932 में और आत्मदाह 1937 में। ऐसे और भी बहुत सारे वयम रक्षा में जैसे कई उपन्यास हैं जिनकी चर्चा की जा सकती है। तो चतुरसेन शास्त्री ने हिंदी उपन्यास को लोक अभिरुचि को ध्यान में रखकर, लेकिन ऐतिहासिकता का भी ध्यान रखा, सामाजिकता का भी ध्यान रखा, सांस्कृतिक भारतीय मूल्यों का भी ध्यान रखा, ऐसे बहुत सारे उपन्यास उन्होंने लिखे। इसी क्रम में प्रताप नारायण श्रीवास्तव का नाम भी उल्लेखनीय है, जिन्होंने विदा नाम का एक उपन्यास 1929 में लिखा और विजय नाम से 1937 में एक दूसरा उपन्यास भी लिखा। तो प्रताप नारायण श्रीवास्तव ये भी आदर्शवादी उपन्यासकार के रूप में हमारे सामने आए। इन्होंने अपने उपन्यासों की कथा वस्तु को जब बुना और जो पात्रों की परिकल्पना की, उनमें कुछ आदर्श मूल्यों की, भारतीय संस्कृति के मूल्यों की स्थापना को ध्यान में रखकर इन्होंने इस तरह के उपन्यास लिखे। विजय उपन्यास एक आदर्शवादी रचना है जिसे अभिजात वर्ग और विधवा जीवन की समस्याओं को मिलाकर एक साथ उकेरा गया। तो कैसे अभिजात वर्ग और उसमें विधवा जीवन, उसकी समस्याएं किस प्रकार की हैं, उसकी चुनौतियां किस प्रकार की हैं, मध्यवर्गीय चुनौतियां अलग हैं, निम्न वर्गीय अलग हैं, उच्च वर्गीय समस्याएं अलग हैं, तो ऐसी तमाम समस्याओं को समय समय पर उपन्यासकारों ने उठाया। विधा उपन्यास नागरिक उच्च वर्गीय समाज का, नागरिक उच्च वर्गीय समाज का बहुत ही खूबी के साथ चित्रण करता है। तो ये उपन्यास जो इस क्रम में हम देख सकते हैं कि प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने जिन दो उपन्यासों के माध्यम से उपन्यास साहित्य को समृद्ध किया, उन्होंने उच्च वर्गीय जो निवासी हैं, जो नागरिक हैं, उनकी अलग अलग तरह की समस्याओं को भी उठाया। देव नारायण द्विवेदी एक अन्य उपन्यासकार हैं प्रेमचंद युग के। उन्होंने कर्तव्याघात नाम से एक उपन्यास लिखा, प्रणय, पश्चाताप और दहेज, ये चार उपन्यास इनके हमें मिलते हैं द्विवेदी जी के। और इन चारों उपन्यासों में उन्होंने समाज की तमाम तरह की समस्याओं को, समकालीन चुनौतियों को उठाया, उजागर किया और निश्चित ही अपनी एक अलग पहचान उन्होंने भी बनाई। हालांकि अगर हम प्रेमचंद के साथ या कौशिक जी के साथ या चतुरसेन के साथ तुलना करेंगे तो उतनी ख्याति, उतनी प्रसिद्धि उन्हें नहीं मिल पाई, लेकिन उस समय इनके उपन्यासों को भी खूब पढ़ा गया, सराहा गया और लोगों ने उससे अपना जो साहित्यिक मनोरंजन होता है वह भी किया। अनूप लाल मंडल एक अन्य उपन्यासकार हैं जिनका एक उपन्यास 1929 में प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक है निर्वासिता। यह प्रेमचंदीय उपन्यास परंपरा का अनुसरण है, लेकिन इस उपन्यास ने भी अपनी एक पहचान, अपनी एक जगह बनाई और इसको भी पाठक मिले। प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों में प्रफुल्ल चंद ओझा मुक्त का नाम भी उल्लेखनीय है और जगदीश चंद झा विमल का नाम भी उल्लेखनीय है। इन्होंने भी अपनी औपन्यासिक रचनाओं से इस युग की औपन्यासिक समृद्धि को बढ़ाया। प्रेमचंद युग की उपन्यास धारा को प्रेमचंद से अलग या विलग राह पर ले जाने का काम अगर किसी
उपन्यासकार ने किया तो सर्वप्रथम शिव पूजन सहाय ने किया। शिव पूजन सहाय की दृष्टि, उनका उनकी सोच, उनकी मानसिकता, उनके उद्देश्य भिन्न थे और उन्होंने प्रेमचंद की उपन्यास रचना शैली को, उस परिपाटी, उस परंपरा को छोड़कर उससे अलग एक लकीर, अलग एक पहचान बनाने की कोशिश की। और 1893 से 1963 के बीच का जो समय है उसमें इन्होंने अपनी रचनाएं हमें दी। 1926 में प्रकाशित उनका एक उपन्यास देहाती दुनिया, जिसने औपन्यासिक प्रस्तुतियों की रूढ़ियों को तोड़ा, उन तमाम मान्यताओं को तोड़ा और एक साहस भरी, एक चुनौती भरी पहल की उन्होंने इस रचना के माध्यम से, जिसमें देहात की दुनिया के यथार्थ को उजागर किया। वह यथार्थ जिसको पढ़कर, जिसके बारे में जानकर हमें आश्चर्य होता है कि हम मनुष्य होकर भी हम मानवीयता को कहाँ छोड़ आते हैं, ऐसी तमाम समस्याओं को उन्होंने उठाया। और प्रेमचंद युग में ही एक और बड़ा, एक बड़ा विलक्षण नाम है लेकिन बहुत प्रसिद्ध नाम है, बहुत सराहनीय रचनाएं उन्होंने दी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, यथा नाम तथा गुण, जितने उग्र उनका विशेषण है उनकी उपन्यासों में उग्रता बाकायदा दिखाई देती है। चंद हसीनों के खतूत नाम से एक उपन्यास लिखा, बहुत अच्छी बात है, 1927 में चंद हसीनों के खतूत। तो जो पत्र साहित्य की शैली है उस शैली में ये उपन्यास लिखा, तो उपन्यास की शैली को भी एक नई दिशा उग्र जी ने दी और उग्र जी के उपन्यासों को बहुत बड़ी संख्या में पाठक मिले। दिल्ली का दलाल 1927 में उन्होंने एक उपन्यास लिखा। बधुआ की बेटी 1928 में एक अन्य उपन्यास लिखा और शराबी 1930 में लिखा गया एक अन्य उपन्यास है। ऐसे अनेक उपन्यास उन्होंने लिखे जिनमें समाज की वो कमजोरियां उठाई जिनकी तरफ दूसरे उपन्यासकार नहीं गए, चाहे वो मर्यादा के कारण नहीं गए, सामाजिकता के कारण नहीं गए, संकोच के कारण नहीं गए, लेकिन उग्र जी ने वो सारी गलियां, वो सारे अंधेरे कमरे उनमें झांका और उनको उपन्यासों में उतारा। बुराइयों को, नग्न सच्चाइयों को बड़ी साफ गोई के साथ और दरिया दिली के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में, अपने उपन्यासों में पिरोया और उनकी प्रशंसा हुई। वस्तुतः उग्र जी की रचनाओं में उनका सुधारवादी दृष्टिकोण प्रधान था। वो चाहते ये थे कि इन समस्याओं को हम सामने इसलिए निकालें, रखें, ताकि इनका सुधार कैसे किया जाए, इनका उपाय कैसे किया जाए, इस पर सोचा जा सके। इसी युग में ऋषभचरण जैन एक अन्य उपन्यासकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। उन्होंने भी अपनी औपन्यासिक रचनाओं के माध्यम से एक नई पहचान बनाई। दिल्ली का कलंक, दिल्ली का व्यभिचार, वेश्यापुत्र और रहस्यमयी जैसी न जाने कितनी औपन्यासिक रचनाएं उनकी मिलती हैं, लेकिन ये तीन चार रचनाएं तो बड़ी प्रसिद्ध हैं और बहुत ही सुपठ्य भी हैं। पत्रात्मक प्रविधि के उपन्यास, जिसकी चर्चा अभी हमने की, चंद हसीनों के खतूत, जिसकी शुरुआत पांडे बेचन शर्मा उग्र ने की थी, उनसे प्रेरणा लेकर इसी पत्रात्मक प्रविधि पर समाज की वेदी पर और रूपरेखा, समाज की वेदी पर एक उपन्यास है और रूपरेखा एक दूसरा उपन्यास है, ये दो उपन्यास अनूप लाल मंडल ने, जो उस समय के उपन्यासकारों में धीरे धीरे उभरता हुआ नाम था, उन्होंने भी इस पत्रात्मक प्रविधि और शैली को ध्यान में रखकर, जिसकी प्रेरणा उग्र जी से ली, ये दो उपन्यास हमारे सामने प्रस्तुत किए और ये उपन्यास भी पढ़े गए, सराहे गए। इस तरह प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों में महाकवि, महान नाटककार, प्रतिष्ठित निबंधकार और समालोचक एक बड़ा नाम जिसकी हम संभवतः प्रतीक्षा करते हैं वह है श्री जयशंकर प्रसाद का। वो भी उपन्यासकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। एक से एक बढ़िया नाटक उन्होंने दिया, अजात शत्रु या चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये वो नाटक हैं जो प्रसाद को एक अलग छवि, एक अलग पहचान देते हैं। कामायनी, आंसू, ये वो रचनाएं हैं जो प्रसाद को एक बड़े महाकवि के रूप में हमारे सामने, लहर। लेकिन कंकाल 1929 में और तितली 1934 में, ये दो बड़े फलक के उपन्यास भी जयशंकर प्रसाद ने दिए। प्रसाद जी का जो व्यक्तित्व था वो कवि और गद्यकार का और बहुआयामी व्यक्तित्व था। उन्होंने इन दो उपन्यासों में जो समस्याएं उठाईं उनके माध्यम से हिंदी गद्य साहित्य को संपन्नता प्रदान की। तितली ग्रामीण और कृषक जीवन की रचना है तो कंकाल अवैध, अज्ञात कुल की और त्याज्य संतानों की दर्द भरी समस्या है।
दोनों समस्याएं उस समय में उस समाज में बड़ी समस्याएं थी, उनका सामना कैसे किया जाए, उन समस्याओं को प्रसाद जी ने इन दो उपन्यासों के माध्यम से उठाया। प्रसाद का छायावादी कवि रूप, हालांकि प्रसाद छायावाद के बहुत बड़े कवि हैं, प्रवर्तक कवि हैं, वह जो छायावादी कवि रूप है वह इन औपन्यासिक रचनाओं पर भी कहीं कहीं भाषा और शैली के माध्यम से, शिल्प के माध्यम से दिखाई देता है। इसलिए कवितोपयोगी भाषा का प्रयोग उपन्यास में जब आता है तो उपन्यास उतना लोकप्रिय नहीं बन पाता, फिर भी ये उपन्यास सराहे गए और साहित्यिक महत्व की दृष्टि से इन दोनों उपन्यासों को भी हम शीर्षस्थ मानते हैं। प्रसाद जी के बाद प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास को एक नई पहचान अगर किसी ने दी तो एक और बड़ा नाम, माइलस्टोन, जिसको हम मील का पत्थर कहते हैं, वो है जैनेन्द्र जी। जैनेन्द्र जी का परख 1929 में आया, सुनीता 1935 में आया, त्यागपत्र 1937 में आया। ये प्रेमचंद युग की तीन रचनाएं, उसके बाद की रचनाएं भी उनकी जैनेन्द्र जी की हैं जो बाद में प्रकाशित हुई। जैनेन्द्र जी ने व्यक्ति मानस की शंकाओं को, गुत्थियों को, उलझनों को, दुविधाओं और द्वंद्वों को विषय बनाकर बहुत ही प्रभावी ढंग से, रोचक ढंग से और बहुत जीवंत बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया। जैनेन्द्र जी का जो की जो विश्लेषणात्मक शक्ति है, जो मनोवैज्ञानिक सूझबूझ है, वो अद्भुत है। चाहे वो नारी मनोविज्ञान हो, चाहे वो बाल मनोविज्ञान हो, कहानियों में देख लें या उपन्यासों में देख लें, जैनेन्द्र एक अलग पहचान बनाते हैं। एक बड़े फलक के, एक बड़े व्यक्तित्व के उपन्यासकार, कहानीकार वो हैं। उपन्यासों को जैनेन्द्र ने मनोवैज्ञानिक यथार्थ की ओर मोड़ दिया। हिंदी उपन्यास को जैनेन्द्र ने नया शिल्प दिया, नई भाषा दी। उनकी भाषा सरल है और आंतरिक मनोभावों को व्यक्त करने के पूर्णतः अनुकूल भी है, जैसी भाषा होनी चाहिए, पात्र के आधार पर, घटना के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर, वैसी ही भाषा है। प्रेमचंद युगीन अन्य उपन्यासकारों में भगवती चरण वर्मा, राधिका रमण प्रसाद सिंह, सिया रामशरण गुप्त, भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा जो ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे बहुत सारे नाम हैं जिनको बुलाया नहीं जा सकता, वो भी इसी युग के बड़े उपन्यासकार हैं, बड़े फलक के रचनाकार हैं। भगवती चरण वर्मा के दो उपन्यास हमें मिलते हैं, एक चित्रलेखा जिस पर बाद में फिल्म भी बनी, 1934 में ये उपन्यास आया और इसने उस समय की, उस समाज की कुछ अलग तरह की समस्याओं को हमारे सामने रखा। तीन वर्ष एक और दूसरा उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का, 1936 में प्रकाशित हुआ। राधिका रमन प्रसाद सिंह का राम रहीम नाम से एक उपन्यास प्रकाशित हुआ 1937 में। सिया रामशरण गुप्त जो मैत्रीशरण गुप्त के भाई थे, उन्होंने कविता के क्षेत्र में ही नहीं, गद्य के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण अवदान उनका मिलता है। गोद उपन्यास 1932 में, अंतिम आकांक्षा 1934 में और नारी 1937 में, ये तीन उपन्यास सिया रामशरण गुप्त ने हमें दिए और ये तीनों उपन्यास नारी समस्या को, घरेलू नौकरों की समस्या को, निरपराध व्यक्तियों पर जो अपराध मढ़े जा रहे हैं उनकी समस्या को, ऐसे न जाने कितनी समस्याओं को उजागर किया। तो सियाराम शरण गुप्त का नाम भी अविस्मरणीय है, बड़ा महत्वपूर्ण है और निश्चित ही उन्होंने सजीवता के साथ अपनी उपन्यासों की प्रस्तुति की। भगवती प्रसाद वाजपेयी जिनके प्रेम पथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी, लालिमा, बहुत सारे उपन्यास हैं जिनकी चर्चा कर सकते हैं। इन्होंने मध्यवर्गीय पारिवारिक जीवन और उनकी चुनौतियों को, उनकी मनोविश्लेषणात्मक जो अध्ययनगत उपलब्धियां हैं उनको इसके माध्यम से चित्रित किया है। तो यह निश्चित है कि प्रेमचंद के दौर में, युग में, उपन्यासों में और उपन्यासकारों में एक वैविध्य दिखाई देने लगा था। उसमें मनोविज्ञान भी प्रभावी हो रहा था, जीवन का, समाज का यथार्थ भी प्रभावी हो रहा था, पात्रों की मनस्थितियों का अध्ययन करके उनके चरित्र और चित्रण की बुनावट की जो कोशिशें हुई वह भी स्पष्ट दिखाई देने लगा था। वृंदावन लाल वर्मा हिंदी उपन्यास के की दुनिया में ऐतिहासिक उपन्यासकारों की दृष्टि से बड़ा, बहुत बड़ा नाम है, प्रवर्तक के रूप में वो हमारे सामने आते हैं। संगम उपन्यास, लगन उपन्यास,
प्रत्यागत उपन्यास, कुंडली चक्र उपन्यास, ये तो उनके चर्चित हैं ही। 1928 में, 1929 में, 1932 में उन्होंने ये उपन्यास क्रमशः लिखे। तो ये जो लेखन का सृजन का उनका जो सिलसिला है ये रुकता नहीं है, लगातार चलता है। इसलिए उन्होंने आगे चलकर गढ़कुंडार जैसा और विराटा की पद्मिनी जैसा, गढ़कुंडार 1929 में लिखा और विराटा की पद्मिनी 1936 में लिखा, ये वो दो उपन्यास हैं जो उपन्यास को ऐतिहासिक बनाते हैं। इनमें जो राष्ट्रनायक हैं, जो राष्ट्र चरित्र हैं, वो जिन्होंने समाज और सामाजिकता को प्रभावित किया है, जिन्होंने राष्ट्र और राष्ट्रीयता को जिन्होंने मार्ग दिखाया है, ऐसे पात्रों को इन्होंने उपन्यासों का के लिए चुना बहुत ही सुंदर ढंग से। ये विराटा की पद्मिनी तो बहुत चर्चित उपन्यास है, तो कैसे अपने क्षेत्र का या दूसरे क्षेत्रों का इतिहास अध्ययन करके और उन पात्रों को नायक बनाकर, उन घटनाक्रमों को उपन्यास में पिरोकर, कहानियों में पिरोकर इन्होंने प्रस्तुत किया है। राहुल सांकृत्यायन के उपन्यासों में उनका भी नाम इस युग में, प्रेमचंद के युग में राहुल सांकृत्यायन भी एक बड़ा नाम है, रांगे राघव भी एक बड़ा नाम है। शैतान की आंख 1923 में एक उपन्यास आया, विस्मृति के गर्भ में 1923 में एक दूसरा उपन्यास आया और सोने की ढाल 1923 में ही एक तीसरा उपन्यास आया। तो राहुल सांकृत्यायन जो इतिहासकार भी थे, जो समाज के अध्ययन करने वाले आलोचक समालोचक भी थे, उन्होंने भी अपने उपन्यासों के माध्यम से हिंदी उपन्यास को समृद्ध और संपन्न बनाया। प्रेमचंद युग में दरअसल उपन्यास ने एक नया कलेवर प्राप्त कर लिया, एक नया रूप प्राप्त कर लिया, ये एक बड़ी विशेषता थी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा और पंत, निराला जी ने जितना अवदान कविता के क्षेत्र में किया, अपनी एक से एक बेहतरीन कविता हमें दी, काव्य संकलन हमें दिए, उतना ही उल्लेखनीय अवदान उनका गद्य के क्षेत्र में भी है। व्यंग लेखन में देख लीजिए, कथा लेखन में देख लीजिए, औपन्यासिक लेखन में देख लीजिए, तो निराला जी के पास एक विलक्षण प्रतिभा थी। तो उन्होंने अप्सरा नाम से 1931 में एक उपन्यास लिखा, अलका नाम से 1933 में एक दूसरा उपन्यास लिखा और प्रभावती नाम से 1936 में एक तीसरा और निरुपमा नाम से 1936 में ही एक चौथा उपन्यास भी लिखा। एक पूरी श्रृंखला है जो हमें उपन्यासों के रूप में मिलती है। बलचनमा की बात हम करें, वो जो नागार्जुन जिसको आगे ले जाते हैं, वो निराला जिसकी बुनियाद डालते हैं, ऐसी तमाम समस्याएं उसमें आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेमचंद युग के उपन्यास और उपन्यासकारों का जो प्रदेय है वो महत्वपूर्ण है, अविस्मरणीय है, स्तुत्य है। अब हम प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, हिंदी उपन्यास की स्थिति क्या है और अद्यतन हिंदी उपन्यास की स्थिति क्या है, इन पर आगे के हिस्सों में बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास का एक बृहत प्रारूप आपके सामने आ गया होगा। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को ही विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर पीसी टंडन साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।